बापू की जयंती के मौके पर बीजेपी ने संकल्प यात्रा का आगाज किया है। इस मौके पर कांग्रेस भी जगह जगह पर पदयात्रा निकाल रही है, लेकिन कांग्रेस की पदयात्रा पर बीजेपी ने निशाना साधा है। R9 से एक्सक्लूसिव बातचीत में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये पदयात्रा नहीं पश्चाताप यात्रा है। तिवारी जी, आज संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई, आखिर संकल्प यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी बीजेपी को आज 5 साल के बाद? गांधी 150 पे हमने 5 साल पहले से ही कहा था कि हम कुछ ऐसा करके दिखाएंगे जो गांधी जी का सपना है, उनके सपनों को हमने पूरा किया है। आज स्वच्छता अभियान सड़क सड़क पे चर्चा का विषय है, हम गांधी जी को सही मायने में श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अब सड़कों पे निकल पड़ रहे हैं लोगों की बात सुनने, उनको जन जागरण करने कि स्वच्छ रखिए आप भी, प्लास्टिक को, सिंगल यूज प्लास्टिक को बाय बाय करिए और आइए स्वस्थ मन से देश की प्रगति में अपना योगदान दीजिए। यात्रा निकालने कांग्रेस भी यात्रा निकाल ली, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या? कांग्रेस की पश्चाताप यात्रा है, उनको लग रहा है कि अरे हम इतना दिन कुछ नहीं किए, हम तो राजघाट से बाहर निकले नहीं, हम राजघाट में भी रहेंगे और हम पूरे देश की गलियों में भी जाएंगे। गांधी जयंती की परिभाषा बदल दी है अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी। दिल्ली प्रदेश का कार्यक्रम क्या? दिल्ली प्रदेश का 150 किलो का कार्यक्रम? दिल्ली प्रदेश का कार्यक्रम सिर्फ इतना है कि हम सभी भाइयों से बोलते हैं कि आप भी सुबह निकलो, जैसे मैं जॉगिंग के ड्रेस में हूँ ना, मैं चल रहा हूँ, मैंने देखा अरे थोड़ा प्लास्टिक गिरा हुआ है, तो पहले क्या होता था लोग गाली देते थे, किसने फेंक दिया बे, बड़े गंदे हैं बे, अरे छोड़ो यार जाके प्लास्टिक उठा लो, एक बाएं हाथ में बोरा है उसमें डाल दो और थोड़ा सा देश के लिए योगदान करो। गांधी जी को हथियार लिया? गांधी जी तो हमारे मन में है, गांधी जी को हथियाने की जरूरत नहीं है। ये जो हथियाना और सिर्फ मेरे गांधी, ये कांग्रेस की सोच होगी, हम तो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास वाले। ये थे मनोज तिवारी जो कह रहे थे कि संकल्प यात्रा के क्यों जरूरी था और बीजेपी ये संकल्प यात्रा 150 किलोमीटर की यात्रा हर एक नेताओं को करनी है और ये यात्रा 30 जनवरी तक चलेगी और सभी नेताओं को निर्देश दिया गया कि ऐसी यात्रा सभी जगह निकालें। दिल्ली भी यात्रा निकाली गई है और ऐसी यात्रा की शुरुआत आज से यानी हैदरपुर विधानसभा क्षेत्र से हैदरपुर के रामलीला ग्राउंड से शुरू हो गई। कैसर के साथ कमलेश सिंह, R9 दिल्ली।